अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये हमारा 13.8 KV का सबस्टेशन है। आज हम आपको माइकॉम की जो रिले होती है, जो प्रोटेक्शन रिले होती है, उसके बारे में बताएं। उसका कम्युनिकेशन किस तरह होता है और उसकी सेटिंग किस तरह होती है, और आप अपने पीसी या लैपटॉप के जरिए किस तरह उसके में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हम आपको आज पूरा फिज़िकली दिखाएंगे। ये एक माइकॉम रिले है P127। इसमें ओवर प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ फॉल्ट के लिए, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के लिए प्रोटेक्शन है, और लॉकआउट के लिए भी। ये रिले हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा आउटगोइंग फीडर है जो दूसरी साइड पे जा रहा है। तो ये रिले हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चले अगर कोई लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, या ट्रांसफार्मर की जो लाइन जा रही है, या फीडर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें हमारे पास दो सीटीएस होती हैं, एक मेजरमेंट के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए। मेजरमेंट की जो सीटी होती है वो हमें यहाँ पे रीडिंग बताती है कि कितने एम्पेयर चल रहे हैं। प्रोटेक्शन वाली जो होती हैं वो रिले को ऑपरेट करवाती हैं। तो इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है, आपको अभी दिखाएंगे और उसकी सेटिंग भी दिखाएंगे। ये 3-4 स्टेप पार्ट बना के हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे, उसकी सेटिंग, वायरिंग और उसकी कम्युनिकेशन, और उसको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक वायर है जो आप RS-2 के ज़रिए भी कर सकते हैं, RS-485 के ज़रिए भी कर सकते हैं, जो Serial-to-USB के थ्रू भी कर सकते हैं, और ये जो 9 पिन की मेल फीमेल है केबल है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो फिज़िकली क्या होता है कि आप देखें, इस केबल को जिसमें पिन लगे होते हैं ये यहाँ पे लगानी पड़ती है, टाइट अच्छी तरह से लगा लें। उसके बाद इसका जो दूसरा सिरा है वो आपने लैपटॉप के, या आपके लैपटॉप के पास में अगर सीरियल के पास सीरियल के लिए कोई पोर्ट नहीं है तो आप USB पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस केबल को आप यहाँ पे लगा लें। अभी आप देखें, हमने लैपटॉप को एक केबल के थ्रू अपनी रिले में कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद जो मरहला आता है वो होता है सॉफ्टवेयर का। जो हमारा सॉफ्टवेयर है हमने ये ओपन करना है। ओके, अभी आपको दूसरा स्क्रीन पे दिखाएंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अभी आप देखें, अभी हम अपना जो सॉफ्टवेयर है स्नाइडर का, इधर जी स्टूडियो जो है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपसे देखें मांगे कि आप अंडरस्टैंड करते हैं सब कुछ चीज़ें, यानी एग्री करते हैं, क्लिक करें, ओके करें। अब देखिए आपके पास जो इंटरफेस है वो खुल गया। थोड़ा वेट करेंगे ताकि सब फाइलों को अपलोड कर दें। अब देखें यहाँ पे, आप देखें हमने कुछ पैरामीटर बनाए हुए पहले से, हमने इस क्योंकि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अपने सबस्टेशन का, तो क्योंकि हम सोर्स बी में, हमारे पास दो सोर्स हैं, हम सोर्स बी में काम कर रहे हैं। तो ये जो फीडर अभी हम आपको जिसका डेमो दिखा रहे हैं वो भी बी में है, तो हम बी को सेलेक्ट करेंगे। देखिए बी को सेलेक्ट करने के बाद ये बी के सारे आ गए। ये देखिए ऊपर आप देखें Sub-1 फीडर बी, तो ये कि सब बी के आ गए। ये देखिए K11, K14, K15 जो सब हम सीरियल वाला सीरियल वाइज बनाए हैं वो सब आपके सामने आ गए। अब हम देखें, अब आप बहुत गौर से देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, कनेक्ट पे जाना है, क्विक कनेक्ट पे आ जाना है। ओके, हमारे लिए जो 20 सीरियल की है, जो P127 यानी 20 सीरियल में, देखिए आपने आ जाना है क्योंकि हमारे रिले जो है वो 20 सीरियल की है, तो आपने P20 पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, फ्रंट और बैक। हमने फ्रंट करना क्योंकि हम फ्रंट से, आपने देखा जिस तरह हमने आपको बताया था, फ्रंट पे आप करें क्लिक। उसके बाद आता है इसका पासवर्ड जो होता है 4 टाइम कैपिटल A है, और कॉम पोर्ट 1, हमारा मेरा जो लैपटॉप का जो कॉम पोर्ट है वो 1 पे सेलेक्ट है। ये ऑटोमेटिकली भी वो डिटेक्ट कर लेता है, आप माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाके भी चेक कर सकते हैं। फिनिश करें।
ये देखिए अभी कम्युनिकेशन बनाएगा अपने लिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए ये आप हर चीज़ चेक करेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो सीरियल का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो इतना फास्ट नहीं होता। आप देखें इसमें आप कोई चीज़ स्किप ना करें, प्रॉपरली देखें तो आपको सब कुछ बहुत ईजी, आप उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है इसका, इसमें हम माइकॉम से डाउनलोड कर रहे हैं, जो हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें हम इसमें अपलोड करेंगे। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको, ये देखिए इसने कम्युनिकेशन बना दिया, ऊपर देखिए सक्सेसफुल है। ओके ये देखिए हम यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज जो हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट में भी यही है, अगर आप चेंज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है। देखिए अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, आपने इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, ताकि आपको याद हो कि आप क्या कर रहे हैं और कौन से फीडर में काम कर रहे हैं। अगर आप ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे तो आपको फिर पता चले किस तरह चलेगा कि मैंने कौन से फीडर में काम किया, ये लिए कौन से फीडर के लिए। तो आप देखें बैक्स आपने दबा देना है, सब क्लियर हो जाएगा। देखें अब यहाँ पे रेट देखें, क्योंकि कुछ था नहीं तो मेरा फीडर जो है K17 है। जब हमारा फीडर जो लगा हो, फीडर जो है 13.8 का यानी 13,800 KV का है। अब नीचे कमेंट में क्या लिखना है, कमेंट में आपने वो मेंशन करना है जो आपका यानी फीड कर रहा है। ये हमारा फीडर जो जा रहा है हमारे पंप हाउस को फीड कर रहा है। उसके बाद मैंने एक और चीज़ भी लिखनी है कि रिले कौन सी है, ये देखें P127 रिले है। फिनिश करें, ये देखें इसका इंटरफेस खुल गया, आप यहाँ पे देखें। अब आपने क्या करना है, इसमें बहुत सी सेटिंग भी है, मेजरमेंट भी है, इवेंट भी है, डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड भी हैं। तो जो हमारे पास ज़रूरी है वो हमारे पास क्या है, सेटिंग। सेटिंग के ऊपर आपने क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है, देखें एक्सट्रैक्ट, यानी आप सेटिंग उससे ले रहे हैं। ये देखें अभी ये टेस्ट करेगा, फिर कम्युनिकेशन को टेस्ट करेगा, देखें अब ये शुरू हो गया। अब जो माइकॉम की रिले है उससे सारा डेटा मेरे लैपटॉप में आ रहा है। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि सीरियल में थोड़ा टाइम लगता है। कोशिश करें कि पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। ये देखें इसमें आप उसका वो भी देख सकते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, शो डिटेल। ये देखें ऑपरेशन सक्सेसफुल, क्लोज करें। ये देखें यहाँ पे इसने एक फाइल बना दी है, ये देखें 000 इसकी फाइल। अब आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक कर देना है। अब देखें फ्रंट पे देखें तो सब वन फीडर K17 यानी K17 मेरा फीडर नंबर है, 13.8 KV यानी वो जा रहा है, और ये सब वन है और फीडर बी है। ये देखें सारी सेटिंग खुल गई हैं। इसमें पैरामीटर तो बहुत ज़्यादा हैं जो एक्चुअली बहुत काम के हैं। पहले पैरामीटर में उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है कि एक अल्ट्रा रिले है 60 Hz है, और रिले की जो वो है नंबर है रिले का, और सीरियल नंबर वो है P127 है। कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़रूरी हमारे पास जो होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए जनरल में हमारे पास हैं, हम जो हमारा VT कनेक्शन वो किस तरह का है, फेस टू फेस, और उसे उसके बाद होता है कि हमारा प्रोटेक्शन जो है उसका वो किस तरह है, फेज़ रोटेशन किस तरह है, हमने उसको लेबल क्या दिया हुआ है, जिसके L1A, L2, L3 और न्यूट्रल को N दिया हुआ है।
उसके बाद ये देखिए रेशियो आ जाता है। तो हमारे जो सीटी लगी हुई जो करंट ट्रांसफार्मर लगा वो 300 एम्पेयर का है, उसका प्राइमरी 300 का है, सेकेंडरी जो है 1 एम्पेयर का है। अब देखें देखिए वीटी जो हमारा है 13.8 यानी 13,800 से 125 केवी में, इसकी पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ वो है, आप देख सकते हैं। तो देखें ये अगर 13,800 आएंगे 125 से, ये हमें बना के देगा, शोध करके देगा। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी होता है वो प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन में ग्रुप बहुत ज़्यादा होते हैं, जनरली जो मोस्टली यूज़ होता है ग्रुप वन होता है। ये देखें सबसे देखें आई देखो जो एरो राइट साइड पर इंडिकेट करता है उसका मतलब है ये नहीं ये हाई स्टेज है। तो कुछ पैरामीटर हमने आपको दिखा भी दिए, ये सिर्फ डाउनलोड था मायकॉम रिले से।